हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाएंगे गाजर का अचार। तो मैंने 1 किलो गाजर ली है और इसको सबसे पहले हम इस तरह से छील लेंगे। उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, तो छीलने के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लें। एक बार मैंने पहले वॉश कर लिया था, एक बार छीलने के बाद अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब भी आप गाजर लें तो बहुत ही पतली पतली लें। तो ये अचार बनाने के लिए इस तरह से पतली पतली आप गाजर लीजिए। और ये देखिए, मैंने इसको छील के अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे कट करेंगे, तो इसको हम फिंगर के साइज़ में कट करेंगे। तो सबसे अच्छी जो गाजर होती है वो विंटर के सीज़न में मिलती है, तो इसलिए हम सोचते हैं कि इसका अचार भी बना के लंबे समय तक रखा जाए। तो इस तरह से हम पतला पतला फिंगर साइज़ में कट कर लेंगे सारी गाजरों को। और बीच में जैसे कई बार थोड़ा मोटा सा पार्ट होता है ना गाजर का, तो उसको हम हटा भी सकते हैं और नहीं भी हटाना चाहें तो ये देखिए हल्का सा हटा सकते हैं, तो नहीं भी हटाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए गाजर को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए धूप में रख दूंगी। अगर तेज़ धूप है तो 2 घंटे के लिए, नहीं तो आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखिएगा। जब तक गाजर सूख रही तब तक हम गाजर के अचार के मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो ये सारा मसाला मैंने मिक्स किया हुआ था, तो मैं आपको इसकी क्वांटिटी बता दूं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया लिया है, सूखी धनिया, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच कलौंजी। और इसके अलावा जो हमें धनिया है वो इसकी डबल क्वांटिटी में लेंगे, धनिया ज़्यादा लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर इसको थोड़ा हम भून रहे हैं। और जब लगे इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है तब हम गैस ऑफ कर देंगे, और जब ठंडा हो जाए हल्का सा तब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो बस अब गैस ऑफ कर देंगे हम, अच्छे से गर्म हो गया है। तो ये देखिए अब हम करेंगे इसको ग्राइंड। तो हमें इसको दरदरा ग्राइंड करना है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स 2 से 3 घंटे में देखिए अच्छे से ये सूख गया है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और मैंने गैस पे रख दिया है तेल, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल में ही बनाइएगा, इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। जब इसमें धुआं उठना शुरू हो जाए तब हम गैस ऑफ कर देंगे। और मिक्स करने के लिए कोई बड़ा बर्तन या बॉल लेंगे और वो भी सूखा होना चाहिए। उसमें हम डाल देंगे सारी गाजर को और उसके बाद कुछ मसाले इसमें डालेंगे। सबसे पहले जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था वो हम डाल देंगे अचार का। तो मैंने 3 बड़े चम्मच अचार का मसाला डाल दिया है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी और हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें, और यानी कि 1.5 चम्मच। उसके बाद डाला है मैंने थोड़ा सा अजवाइन और हींग, 1/2 चम्मच हींग डाली है मैंने, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, अमचूर पाउडर 1 चम्मच और नमक स्वाद के अनुसार। तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच नमक डाला है। इसको हम चलाएंगे और थोड़ा सा डालेंगे तेल, अभी एक साथ नहीं डालेंगे, तो हमें उतना ही तेल डालेंगे इसमें जितना कि अच्छे से कोट हो जाए सारे मसाले। तो हमें हाथ से ही सारे मसालों को मिक्स करना है, तभी अच्छे से मिक्स हो पाएगा। तो थोड़ा सा तेल इसमें मुझे कम लग रहा है, तो थोड़ा सा और डालूंगी ताकि अच्छे से सारे मसाले जो हैं, सारे फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अचार बनाते समय ही बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो थोड़ा सा मैं डालूंगी विनेगर, ये वाइट विनेगर है। तो 2 बड़े चम्मच मैंने वाइट विनेगर डाला है। विनेगर डालने से जो अचार है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो मिक्स करने के बाद मैंने एक कंटेनर ले लिया है, और कांच का कंटेनर हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो कंटेनर बहुत अच्छे से साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इसको धूप में आप कंटेनर सुखा लीजिएगा अच्छे से, और उसके बाद हम अचार को इसमें डाल देंगे। और जब हम कंटेनर में अचार डालेंगे ना, उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें ऊपर से तेल डालेंगे। तो ऊपर से हमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, तो थोड़ा सा ऊपर से तेल डाल देंगे। उसके बाद हम 2 दिन के लिए इसको अच्छी धूप दिखाएंगे, और उसके बाद आप इसको खा सकते हैं। आप चाहे, अगर आप क्रंची टेस्ट चाहते हैं तो आप इसको तुरंत भी खा सकते हैं। तो ये रहा गाजर का टेस्टी चटपटा अचार। तो आप भी इसको विंटर के सीज़न बनाइए और इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच।